और बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने आरक्षण के सवाल पर लालू प्रसाद को घेरा और कहा कि लालू प्रसाद अपने बेटे को सीएम बनाने के लिए व्याकुल हैं। सांसद ने कहा कि लालू प्रसाद सिर्फ वोट के लिए जाति और आरक्षण का खेल खेल रहे हैं, जबकि बिहार की जनता सब कुछ जानती है। लालू प्रसाद के शासनकाल को जनता अभी भूली नहीं है। उनको गरीब के उत्थान से कोई लेना देना नहीं, स्वयं और परिवार के उत्थान के लिए ही ये पूरी जिंदगी कट गई, आधा अंदर आधा बाहर। अब अंतिम मौका उनको लग रहा है कि हम अपने पुत्रों को किसी तरह से मुख्यमंत्री बना लें, और ये वही विषमता पैदा करना चाह रहे हैं जो अपने कालखंड में किया। लेकिन लोग जागृत हैं, बिहार में आप देख ही रहे हैं कि जो गत लोकसभा चुनाव हुए, इतना दुष्प्रचार और कुप्रचार, सामाजिक उथल पुथल करने का जो सुनियोजित रचना रचे, उसके बावजूद भी एनडीए को 30 सीट यहां 40 मिला। और इसी बीच राजधानी पटना से बड़ी खबर आपको बताएं, जहां पटना सिटी में चेन स्नैचिंग के दौरान एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि तीन बाइक सवार अपराधियों ने पहले चेन स्नैचिंग की कोशिश की और जब वो इसका विरोध करने लगे तो बीजेपी कार्यकर्ता को गोली मार दी गई। चौक थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में लगातार जुटी हुई है। पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। रेस्टोरेंट के सामने एक व्यक्ति जिनका नाम मुन्ना शर्मा था, जिन्हें आपराधिक तत्व द्वारा जख्मी कर दिया गया है और जिन्हें उनके परिजन अस्पताल ले गए, जहां उनके इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई है। घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है तथा अन्य तकनीकी अनुसंधान किया जा रहा है। घटना के संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। और अगली खबर राजधानी पटना से आपको बताएं, जहां बेऊर जेल में जिला प्रशासन की टीम ने छापेमारी की, जिसमें कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए। पुलिस ने लोहे का सरिया, रस्सी और अन्य कई चीजें बरामद की। सूत्रों के अनुसार करीब छापेमारी में कैदियों से हड़कंप मच गया है। जिला प्रशासन ने सभी हाई सिक्योरिटी वार्ड की तलाशी ली। बेऊर जेल की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर शातिर लगातार अंदर बंद कैदियों तक लगातार मोबाइल समेत अन्य आपत्तिजनक सामान पहुंचा रहे हैं, और इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि बीते ढाई महीनों में जेल में चार बार छापेमारी हुई और इसमें 11 मोबाइल समेत अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए। छापेमारी कर बरामद सामान की जब्ती सूचना बिना जेल प्रशासन के खानापूर्ति करती है। छापेमारी में मोबाइल ही नहीं बल्कि चार्जर, चाकू, सिम कार्ड, खैनी, गांजा, लाइटर, सिगरेट, बीड़ी, गुल और गुटखा, टेस्टर समेत अन्य आपत्तिजनक सामान भी बरामद हो चुके हैं। कैदियों तक मोबाइल पहुंचने के कारण अंदर से ही कई लूटकांड और हत्या की साजिश रची जा चुकी है।